से खून। तुम बार बार ऐसा क्यों करते हो भैया? सब्जी काटते समय तुम हाथ काट लेते हो, इसलिए माँ ने कटर लेकर दिया है ना? अगर वो कटर सिर्फ प्याज काटे तो ठीक है, देख उसने उसने मेरी उंगली भी काट दी। ये कब हुआ? कल। मतलब एक हफ्ते तक माँ ने तुम्हारे लिए पूजा पाठ किया, सब बेकार। तेरी पिटाई करने के लिए पूजा करनी थी, समझा तू? ए गोविंद, हमने जो पूजा की थी उसका फल मिल गया है बेटा। तेरे मामा ने तेरे नौकरी के लिए रिकमेंडेशन खत दिया था और साथ ही बैंक से भी खत आया है, जेवर छुड़ाने हैं। खैर अब तो तुझे नौकरी मिल गई है, बैंक का लोन तू ही उतार देगा, क्यों? जरूर माँ, लगता है मेरी किस्मत अच्छी हो गई है माँ, अब तो नौकरी मिलना पक्का है। तब तो मैं बैंक जाकर जेवर छुड़ा लाती हूँ। ऐसी बातें तो यही बना सकता है। एक और बात है, कल तेरे मामा और एमडी कलकत्ता जा रहे हैं, शाम को 6 बजे से पहले जाकर मिलेगा, तभी नौकरी पक्की होगी। कोई बात नहीं माँ, माँ 10 बजे राहु काल है, मैं उससे पहले ही जाके मिल लूंगा, तभी तो रात तक पहुँच पाऊंगा माँ। मैं जाकर बैंक का काम पूरा करके आती हूँ। आप जाकर अपना काम कीजिए, आप देखना मैं जल्दी उस कंपनी का मैनेजर बन जाऊंगा। बस कर बातें बनाना, तेरे से बस बातें ही बनवा लो, पहले जाकर उनसे मिलकर आ, समझ गया? मैनेजर बनने के सपने देख रहा है। मम्मी को हमेशा मुझ पर शक रहता है, सिली मम्मी। ठीक कहा ना पिंटू, अभी 7 बजे हैं, कल शाम तक क्या मैं पास वाले शहर में नहीं पहुंच सकता? नहीं पहुंच सकते। अच्छा भैया, मुझे एक शक है, इतनी बार कटने के बाद तुम्हें दर्द नहीं होता? चल भाग यहां से। मम्मी, पहले मामा जी को फोन लगाता हूँ। अरे बापरे, रेडियो सेट वाला फोन, मैं तो निकला यहाँ से। hey, कान में फोन ना लगा के फोन स्पीकर पे रख के बात करता हूँ। मामा, मैं गोविंद बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा गोविंद। मामा जी, मैं बस यहाँ से निकल ही रहा हूँ। हाँ ठीक है बेटा, देखो बेटा देर मत करना, हमारे कोलकाता निकलने से पहले पहुँच जाना, जल्दी पहुँचने की कोशिश करना। पहुँच जाऊंगा मामा जी। जी जी जी। हाँ बताइए। ट्रेन से आ रहे हो ना? नहीं नहीं मामा जी, बस से निकल रहा हूँ मैं। बस से क्यों बेटा, उसमें बहुत थकान हो जाएगी। कल शाम को 5 बजे तक का टाइम है। ठीक है मामा जी, लेकिन कल अष्टमी है तो इसलिए आज ही निकलने की सोच रहा था। अच्छा ठीक है, तुम्हारा कहना भी ठीक है, लेकिन याद रखना कल आते समय अपने साथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लेते आना। अरे मामा जी, सर्टिफिकेट तो लोन के लिए बैंक में रखते हैं ना। कोई बात नहीं, ठीक है आते समय जेरोक्स लेते आना, मैं एमडी से बात कर लूंगा। जेरोक्स कॉपी? यार इस बार भी इंटरव्यू में छांट दिया यार। कितने इंटरव्यू दिए मैंने लेकिन कोई काम ही नहीं हो रहा है। हे भगवान, कुछ चमत्कार दिखा। हे, लगता है तेरी पुकार भगवान ने सुन ली, बैंक के जरिए मेरी मदद कर रहे हैं। हेलो। हेलो, आप गोविंद बात कर रहे हैं ना? हाँ मैं गोविंद बोल रहा हूँ। आपने बिजनेस के लिए अप्लाई किया था ना? हाँ जी किया था। आपके 7 लाख रुपए अप्रूव हो गए। वाह, कब तक मिलेंगे वो? मेरे 7 लाख कब मिलेंगे? हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ। नहीं देना है नौकरी तो मत दे, अब मैं खुद से बिजनेसमैन बनूंगा, मैं खुद बिजनेसमैन बनूंगा। यार तेरी फाइल छोड़ना यार। हे, वो तो सिर्फ जेरॉक्स कॉपी थी, आई एम अ बिजनेसमैन। फाइल चली गई। लाइफ ही चली गई। क्यों, क्या हुआ, शांत क्यों हो गए? कॉपी है या नहीं है? है मामा जी, है मामा जी, मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, सर्टिफिकेट के साथ जल्दी आ जाओ। हे एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं बैंक में जाकर ओरिजिनल कॉपी निकलवा के उसकी जीरोक्स करवा लेता हूँ। अभी तो 9 ही बज रहे हैं, पूरे 33 घंटे बाकी हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे एक जरूरी काम था, बैंक मैनेजर से मिलना था, कब तक मिलेंगे वो? सर बिजी हैं, फोन पर बात कर रहे हैं, आप जरा वेट कीजिए। बहुत अर्जेंट है मैडम। भैया बैंक और लड़कियों के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्या समझे? बी केयरफुल। अरे हमने बोला ना, देखिए इतनी जल्दी काम नहीं होगा, आपको 2-3 बार आना पड़ेगा प्लीज। सारे नमूने मेरे ही पल्ले पड़ते हैं। गोविंद, मैनेजर कॉलिंग, अंदर जाइए।
हाँ उस ब्रांच के हाँ मैनेजर को मैंने कितनी बार वॉर्न किया है, आज वही मीटिंग है, मैं देख लूंगा, आप चिंता मत कीजिए, काम हो जाएगा। ओके हाँ सर, मेरे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स मैंने लोन के लिए यहाँ सबमिट किए हैं, अगर उसके जेरोक्स मिल जाते तो। कौन? रंगनाथ जी। हाँ सभी फाइल मुझे भेज दीजिए, मैं सब चेक करके आपको बता दूंगा। हाँ हाँ फाइल भेजिए तो मैं उसे देख करके फाइनल कर दूंगा। हाँ बोलो क्या परेशानी। सर अगर आप सर्टिफिकेट्स दे दें तो मैं जेरोक्स निकलवा के मर गया। स्वामी तुम जानते हो ना मैं ठंडा नहीं पीता। सॉरी सर, सर मुझे थोड़ा जल्दी है सर। छोड़ो सर, मुझे जाना है सर। सर प्लीज। बेटा ये बैंक है, बहुत फॉर्मेलिटीज होती हैं, तुम एक रिक्वेस्ट लेटर दे दो। लाया हूँ सर, लाया हूँ मैं, ये लीजिए सर लेटर। स्वामी ये लो, शेखर को दे दो, उसे जो करना है वो कर देगा। बेटा अब तुम जाओ, कल आ जाना। सर हाँ ओके, मैं 10 मिनट में पहुंचता हूँ। सर मुझे भी 10 मिनट में निकलना है सर, समझने की कोशिश करिए। बेटा मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है, तुम एक काम करो शाम को 5 बजे आ जाना। ओके सर। सर सर इट्स वेरी अर्जेंट सर। तुम अभी तक गए नहीं? स्वामी मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, केबिन क्लोज कर दो। बाहर जाओ। इसमें भी कोई कमी नहीं है। आप जाइए। हाँ हाँ ठीक है। मामा जी। हाँ बोलो। मैं गोविंद बोल रहा हूँ, आपने ठीक ही कहा था, बस से ज्यादा थकान हो जाएगी। हाँ मैं ट्रेन हाँ। से आ जाता हूँ, सीधा आपके पास आके मिलूंगा, ट्रेन से आऊंगा तो थकूंगा भी नहीं। ओ ये बात है, देखो बेटा तुम 4 बजे यहाँ पर पहुँचोगे और वो समय मेरे सोने का होता है, इसलिए तुम एक काम करना, ऑटो पकड़ के सीधे घर आ जाना, वहाँ पर कमरा खुला हुआ होगा, आराम करना और बाद में हम बात करेंगे। हाँ ठीक है मामा, ठीक है बाय। आपको ये फॉलो करना ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, समझे? सर हमारे बैंक में डिसिप्लिन, पंचुअलिटी, कस्टमर सर्विस, ये सारी चीजें परफेक्टली मेंटेन करना मेरी जिम्मेदारी है सर, इसके बारे में आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। सर मेरे ओरिजिनल सर्टिफिकेट दे दीजिए, मेरी 6 बजे की ट्रेन है। देखा आपने कैसे डिसिप्लिन मेंटेन किया जा रहा है। तुम कौन हो? हाँ तुम्हें अंदर किसने भेजा? बाहर जाओ यहाँ से, ऐसे कैसे अंदर आ गए? सर आपने ही तो 5 बजे मुझे बुलाया था। तुमने ही बिजनेस लोन के लिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिए थे, अगर तुम ऐसे बीच में आकर डिस्टर्ब करोगे तो तुम्हारा लोन सैंक्शन होना बहुत ही मुश्किल है, समझे? बड़े आए आप लोग लोन देने वाले। मैं आप लोग को बता दूं, मेरी नौकरी रामको सीमेंट में लग गई है। आप लोगों को ये मजाक लग रहा है, ये लोन के लिए नहीं हमारी बेइज्जती करने आया है। सर इसके ओरिजिनल्स देकर गर्दन पकड़ कर बाहर निकालिए। अरे तुम कौन हो? मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? चलो यहाँ से, चलो बाहर निकलो, चलो। क्या लिखा है ये? लोन नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसा साफ साफ लिखो ना। सर 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 उसके लिए टाइम नहीं है सर, प्लीज सर समझने की कोशिश करिए। अरे भाई मुझे परेशान मत करो, वो टकला मेरी जान खाएगा, तुम ठीक से लिखो ना। सर लेटर की क्या जरूरत है सर, व्हाइटनर है, इरेजर है, किसी से भी काम चला लीजिए ना सर। लिख कर दो ना, क्यों दिमाग खा रहे हो? लोन के लिए मना कर रहा हूं, और अगर ट्रेन ना मिली तो खैर जो भी, जाते जाते एक अच्छा काम करते हुए जाता हूं सर, एक आत्मतृप्ति के लिए। ए, कैसी तृप्ति? तुम्हारा काम हो गया ना, सर्टिफिकेट मिल गया ना, अब निकल यहां से। बहुत बहुत शुक्रिया टकले। बोला सच। ए, तुम कैसे एचआर मैनेजर हो? सर मैंने कुछ नहीं कहा सर। हेलो मामा। हाँ बोलो बेटा। मामा आपने ठीक ही कहा था, मैं ट्रेन से आऊंगा तो आपको डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ बस से आ जाऊँ, और अभी मामा जी राहु काल भी चल रहा है तो कल सुबह 9 बजे तक आ जाऊँ मैं। ऐसी बेवकूफी करते रहोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? कैसी बकवास किए जा रहे हो, एक बात समझ लो, तुम्हें पैसे कमाने के लिए ठीक है लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है,
तुम क्या चाहते हो? तुम बैठे बैठा नहीं जाए, अब चुप क्यों हो? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मैं क्या बेवकूफ हूँ जो बकवास किए जा रहा हूँ? दिमाग खराब है क्या तेरा? कुछ बोलता क्यों नहीं? मामा जी आप सो जाना, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। मैं कह रहा हूं, मैं आ जाऊंगा। हाँ बस यही बोलते रहना, मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ, अभी पहुंच रहा हूँ। देख अगर तू नहीं पहुंचा ना तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, फिर तुझे नौकरी नहीं मिलेगी। ओके मामा। अरे यार इतनी भूख लग रही है। हाँ हे, ये तो बस स्टैंड है, यहीं उतर के कुछ खा लेता हूँ। अरे अपना रामको सीमेंट, जाके देखता हूँ। क्या देख रहा हो बेटा? भैया एक कोल्ड ड्रिंक दीजिएगा और एक बिस्किट भी दीजिएगा। बहुत प्यास लग रही है यार। भैया ये रामको सीमेंट बहुत सुपर सीमेंट है ना? हाँ सुपर सीमेंट है, लेकिन इसमें घोल के थोड़े ही पियोगे? मैं वहाँ मैनेजर हूँ। क्या आप वहाँ मैनेजर हैं? नहीं मेरे मामा जी मैनेजर। मैं भी वही नौकरी के लिए जा रहा हूँ। ओ रामको स्टाफ हो, वही काम करते हो क्या? कल ज्वाइनिंग हो जाएगी, आज इंटरव्यू है। अभी हो तो नहीं? मामा जी ने रिकमेंडेशन लेटर दे दिया है। तुम्हारा मामा क्या कलेक्टर है? तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं है। रिकमेंडेशन लेटर दिखाऊं क्या? जरा दिखाओ, देखूंगा तुम्हारे ही है ना। है बिना पैसे दिए कहाँ भागे जा रहा है तू? एक नंबर का चल रहा है। बस चली गई। अरे बस तो जाती है लेकिन तू कहाँ जा रहा है? अरे मेरे पैसे दे। तुम तो ऐसे बात करो जैसे लाखों रुपए हो। ये लो पकड़ो। अब मैं बस का क्या करूं? दूसरी किसी बस से चला जाना। अरे उसमें मेरा बैग था जिसमें पैसे और सर्टिफिकेट थे। बैग में सर्टिफिकेट है तो क्या उन्हें चाटने वाला है तू? वो मेरी जिंदगी है, समझा तू? है? तेरी जिंदगी उसी बस में पड़ी है तो जाके उसे उठा लेना, जा उठा ले। तेरी तो भैया एक मन की शांति के लिए। क्या बोला? चल भाग टकले कहीं के। भाई मेरी बेइज्जती करता है, अगली बार आ बताता हूँ तुझे। मेरे को बंजर सर वाला बोलता है, बदमाश कहीं का चोटा। जवानी में मेरे आते थे। वो बस मिली नहीं रही है और उसमें मेरा बैग है। अगर नहीं मिला तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। भैया जरा लाइट जलाएंगे क्या? थैंक यू। अच्छा वो तेरा ही है क्या? गलत अड्डे पर उतर गए थे, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे बहुत देर तक। तुम्हारे लगेज को थाने में जमा कर दिया, वहां से जाकर ले लेना, ठीक है? नाम और आईडी लेकर के जाना और हाँ बस नंबर बता देना किससे जा रहे थे, ठीक है ना? जा। सर क्या है? नमस्ते सर। सर मेरा बैग बस में छूट गया। क्या हुआ? सर मेरा बैग बस में छूट गया जिसमें मेरे सर्टिफिकेट्स थे। बस स्टॉप पे पूछा तो कंडक्टर ने बताया कि उसे पुलिस स्टेशन में भेज दिया गया है। अच्छा तो तुम ही वो लड़के हो, तुमसे एक बैग नहीं संभलता है, स्कूल के बच्चे हो क्या? सर भूख लगी थी तो कुछ खाने के लिए उतरा था। ऐसा ही अभी ड्यूटी खत्म करके गए, आने में थोड़ी देरी होगी, इंतजार करो, जैसे ही आएंगे मिलवा दूंगा, वहाँ बैठो। सर थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्या? कल मेरा इंटरव्यू है, अगर दे देते तो। अरे भाई मेरा राइट्स नहीं है, तुम बैठो, साइन करके लेकर के जाना, ठीक है? जा। अरे भाई देखने में पढ़े लिखे लगते हो, इतना भी समझ में नहीं आता। हाँ हे तू बैठ, क्या कर रहा है? बैठ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये कौन है? सर यही वो लड़का है जिसने बस में अपना बैग मिस कर दिया था, लेने के लिए आया सर। बैठो बैठो बैठो। बैठो ना यहाँ पर। सर मैं कोयम्बतूर से बस से आ रहा था सर। अरे मामा
फिर मेरा बैग बस में छूट गया सर। त्रिची में मेरा बैग छूट गया था सर, मैं कुछ खाने के लिए उतरा था। किस तरह से बात कर रहे हो, पी रखी है क्या? नहीं, मेरे मामा जी का फोन आ रहा है इसलिए थोड़ा सा बात करो। जाकर बात करो। जी जी, थैंक यू सर। हेलो। हाँ, गोविंद बेटा तुम कहाँ हो? बस मैं पहुँचने ही वाला हूँ, मैं वहाँ पहुँच के आपको कॉल करता हूँ मामा जी। बताओ अभी तुम कहाँ पर हो? मामा जी बस नजदीक में ही हूँ। नजदीक मतलब कहाँ पर हो? क्या बताऊँ मामा जी, त्रिची में हूँ। अभी तो कह रहा था नजदीक हो और अब त्रिची कह रहा है, इसीलिए कहा था ट्रेन से आने के लिए। मैंने कब आने से मना किया? लगता तो नहीं है, कोई आवाज भी नहीं आ रही है तेरे आस पास। सुनाई दी मामा जी? ठीक है, एक काम करो, बस स्टैंड से तुम्हें यहाँ पर आने के लिए 3 घंटे लगेंगे, इसलिए एक काम करो, चेन्नई की बस पकड़ के यहाँ आ जाओ, उसमें तुम्हें 1.5 घंटे लगेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, बीच में कहीं पर भी कोई बस मिस मत कर देना, क्योंकि एक बस भी अगर तुमने मिस कर दी तो तुम्हें 3 की जगह पूरे 6 घंटे लगेंगे। ठीक है, और याद रखना 7 बजे से पहले MD से नहीं मिलोगे तो काम नहीं मिलेगा, समझ गए ना? क्या हुआ, समझे कि नहीं? बोलते क्यों नहीं? ओके ओके मामा जी, ठीक है, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। थैंक यू मामा जी, बाय मामा जी। ए क्या तू फ्रॉड का काम कर रहा है क्या? सर ऐसी बात नहीं है सर। सर मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ सर। सर मैं बस में बैग छोड़ करके कुछ खाने के लिए नीचे उतरा और वहाँ एक टकला था, वो मेरा दिमाग खा रहा था, उसकी बातों के चक्कर में मेरी बस छूट गई सर। उसमें मेरा बैग था सर, उसमें मेरे सारे सर्टिफिकेट थे। सर प्लीज मुझे दे दीजिए, नहीं तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी सर। अब ज्यादा मत बोल। ए कांस्टेबल इधर आ। सर इस लड़के की आईडी चेक करके इसका बैग देकर इसे दफा करो। ठीक है सर, इधर आ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मेरी जिंदगी बचाई सर। मेरे बाप आपका आभारी हूँ। जा तू, जा मेरे बाप, जा यहाँ से, जा। थैंक यू सर। सर पेरम्बलूर के लिए एक टिकट दीजिए। कहाँ से आ जाते हैं, ये बस ना वहाँ नहीं रुकेगी, ये चेन्नई जाने वाली बस है, आप सीधा बिल्लोपुरम में ही रुकेगी। सर 4 बजे तक मुझे वहाँ पहुँचना है, अगर नहीं रुकती तो आप बस थोड़ी धीमी कर दीजिएगा, मैं उतर जाऊँगा सर, बस प्लीज मुझे ले चलिए। मैं कुछ नहीं कर सकता, चाहे तो तुम दूसरी बस पकड़ लो। सर अगली बस आधे घंटे बाद है, अगर मैं वहाँ नहीं गया तो मेरी नौकरी छूट जाएगी। टिकेट। बेटा इधर आओ। अरे ये ऐसे ही कहेगा, तुम एक काम करो, एक टिकट लेकर के बैठ जाओ। पेरम्बलूर में 2-4 लोग चढ़ते ही चढ़ते हैं, नहीं चढ़ेंगे तो भी कोई बात नहीं, वहाँ 2-4 मस्त स्पीड ब्रेकर है, वहाँ पे बस स्लो होती ही होती है, तुम आराम से उतर जाना। अरे ऐसी नौटंकी तो रोज देखता रहता हूँ बेटा। बैठ जा। टिकेट कौन है? टिकेट यहाँ एक विलमपुर का टिकट देना। मामा का कॉल है, मजा चखाता हूं। हाँ मामा जी, हाँ बस में बैठ गया हूं, आप यहाँ के IG है, लेकिन IG होने का क्या फायदा? अरे बापरे, इसका मामा IG है? ये बस का कंडक्टर कह रहा है पेरम्बलूर में बस नहीं रुकेगी। ये तो मेरी बैंड बजा देगा। क्या कहा मामा, नंबर? हाँ नंबर नोट करिए मामा। फोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा, सामने आएगा तो खबर लूंगा। 66 मामा। फिर भी दोबारा कहता हूं इससे मामा, अगर नहीं माना तो आप अंदर कर दीजिएगा इसे, और अंदर करके जितना दिल चाहे उतना पीटिएगा। छह बेकार में फंस गया मैं, अगर पीटेंगे तभी अकल आएगी इसे। अरे बेटा पहले तुमने गलत बटन दबा दिया था, बात करनी है तो ये वाला बटन दबाना होगा। ये मैं कब से फोन कर रहा हूँ तुम्हें? ये बता कि वहाँ पहुँच रहा है या फिर कोई बहाना बनाने वाला है? हाँ? मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। मेरे साथ नाटक करता है, देखता हूँ बिल्लुपुरम कैसे उतरता है तू। बोल कहाँ है तू? मामा बस की आवाज़ में रिंगटोन सुनाई नहीं दी, बस जल्दी पहुँच रहा हूँ मामा। ए तुम मुझसे झूठ मत बोलो, इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ रामको सीमेंट फैक्ट्री में हाथ पैर पढ़ के मैनेजर बना हूँ, सारी मेहनत पे पानी फेर देगा तू? मामा पहुँच जाऊंगा मामा। मेरी बात सुन,
आखिरी बार कह रहा हूँ तुझसे, तू यहाँ 7 बजे तक नहीं पहुँचा तो तुझे नौकरी नहीं मिलेगी। वापस अपने घर चले जाना, अपना मुंह मत दिखाना। ये भी घूर रहा है मुझे। चिंता मत करो, उतर जाएंगे। बेटा मैंने कहा था ना, यहाँ के बस स्टॉप पे बहुत भीड़ खड़ी रहती है, जल्दबाजी मत करना, उतर जाओगे आराम से। ठीक है ठीक है, टेंशन मत लो, उतर जाओगे। ठीक है जी 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 जी। अरे अरे अरे, बस तो रुकी नहीं। सर 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 सर, प्लीज बस रुकिए सर। बस तो नहीं रुकी, आप जाकर अपनी आईजी मामा से मेरी शिकायत करो। अरे यार, अरे बस स्टॉप के पास 4-5 लोग चढ़ेंगे, और नहीं तो स्पीड ब्रेकर है, वहां स्लो हो जाएगी बस, उतर जाना, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। अरे रे, ये मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है, कहीं 2-4 फटकर ना लगा दे। अच्छा है कि मैं सोने का बहाना कर लेता हूँ। ये सब इस नालायक बुड्ढे की वजह से हुआ है। बेकार के लोगों की बातें सुनता हूँ मैं, मेरी ही गलती है यार, मेरी किस्मत ही खराब है। तेरी तो मैं बेटा, गाड़ी स्लो हो गई है, जल्दी से उतर जाओ, अच्छा मौका है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे इसे क्या हो गया, गाड़ी से कूद पड़ा है क्या? अरे बाप रे, ये इसके लिए गाड़ी रोका है। भैंसे अहमियत रखती है, मैं नहीं, जानवरों के लिए गाड़ी रोकता है, तेरे लिए मेरी कोई अहमियत नहीं है क्या? हाँ नहीं है, ऐसा ही समझ ले। अब तू क्या करेगा? हाँ जा अपने आईजी मामा से मेरी शिकायत कर, देखते हैं क्या करता है। सर मन की शांति के लिए चल जा बेवकूफ कहीं के, चल जा भाग। तुझे तो मैं, ए रुक, भागता कहाँ है, रुक। किसी तरह पहुँचना होगा। किसी भी हाल में राम को पहुंचना होगा मुझे। अब अगर कोई भी गाड़ी आएगी तो मैं उसके सामने गिर जाऊंगा और वहां पहुंच के रहूंगा। वहां मुझे पहुंचने के लिए ये मुसीबत उठानी ही पड़ेगी। जब मैं इस मुसीबत में था तो उसी वक्त आपकी गाड़ी वहां से गुजरी। मेरी बात सुनकर आपने बड़ा दिल दिखाया और मेरी बातें सुनकर मुझे लिफ्ट दे दी। जहां पहुंचने में 7 घंटे से भी ज्यादा नहीं लगता, 33 घंटे में भी मैं वहां नहीं पहुंच पाया। बात इतनी छोटी सी थी, शुरुआत तो ऐसी की जैसे रोमांचक कहानी हो, लेकिन कॉमेडी अच्छी थी। हाँ अच्छी कॉमेडी है। तू क्यों हंस रहा है बे? आपका साथ दे रहा हूँ मैं। गैरेज का क्या हुआ? यहाँ नजदीक तो कुछ भी नहीं है, वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां के मैकेनिक का नंबर दिया था लेकिन वो स्विच ऑफ आ रहा है। ओह तो ये बात है। अच्छा एक काम कर, यहाँ से पैदल जा, रास्ते से कोई भी ऑटो टैक्सी बाइक आए तो उससे लिफ्ट लेकर के जा और मैकेनिक को लेकर के आ और मुझे रिपोर्ट कर। ठीक है? ठीक है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। सुनो आपका फोन नंबर दो ना, बाद में आपकी कहानी सुन लूंगा। हेलो। ये तो नाराज हो गया, लगता है अपनी कहानी मुझे नहीं सुनाएगा। क्या हुआ? सर मैकेनिक नहीं मिल रहा है। अरे हमें जल्दी निकलना है, कम से कम दूसरी गाड़ी का तो इंतजाम कर दो। ठीक है? ओके सर। भैया 7 तो कब के बच चुके हैं, मेरी नौकरी तो समझ लीजिए गई। मेरे मामा फोन कर रहे हैं, अगर अटेंड किया तो गालियां देंगे मुझे, सुनेंगे आप? अबे नालायक कहीं के, बहन के बेटे हो इसलिए सिफारिश की थी। वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मेरा मुंह काला करवा दिया। अब अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना, तू कहीं घास चराने के लायक भी नहीं है। अब मैं वहाँ क्या करूँगा जाके? तू कभी कुछ नहीं कर सकता। मामा आपकी मन की शांति के लिए। छोड़ ना अपने मामा को, चल जा पागल के बच्चे। ये कभी नहीं सुधरेगा।
ये सब मेरे लिए नया नहीं है भैया, इसकी तो आदत हो गई है मुझे। बताइए, अभी भी रुकूं? अगर आप कहें तो मैं रुक जाता हूँ। मैकेनिक को आने में 15-20 मिनट तो लगेंगे ही ना, तब तक टाइम पास करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा। अरे यार, आप किसका फोन है? मेरे दोस्त का। फ्रेंड मतलब प्रेमिका ना? रोमांस भी करते हो? चलो चलो चलो, मैकेनिक के आने तक कहानी बताओ अपनी, चलो। उसका नाम रिया है, मेरी माँ और उसकी माँ सहेलियाँ हैं, इसलिए हम लोग फैमिली फ्रेंड्स होने के कारण अक्सर मिला करते थे। पता नहीं देता था। एक दिन मैं और मेरा एक दोस्त उसके घर गए हुए थे। अचानक मेरे मन में ऐसी भावना आई कि जैसे वीरान पड़े बगीचे में अचानक रंग बिरंगे फूल खिल गए हों। वो उस दिन बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैं चाहता था कि वो मेरी तरफ देखे, मैं चाहता था कि वो मुझसे बात करे, क्योंकि मैं उससे बात करना चाहता था। उसी के ख्यालों में डूबा रहता था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ। भैया अभी याद आया, स्कूल में गणित नाम के विषय पर कविता लिखने कहा गया है, प्लीज लिख दो ना भैया। गणित के विषय पे कौन कविता लिखता है, और ऊपर से आज संडे भी है। प्लीज भैया प्लीज। हाँ ठीक है, तेरी बात मान लेता हूँ। जा 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 जा, जल्दी से पेपर लेके आ। अभी लेकर आता हूँ। सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी दोस्ती हमेशा ऐसी ही बनी रहे। हाँ सही कह रही हो, लड़कियों को तो शादी के बाद पति परिवार सबकी देखभाल करनी पड़ती है, स्कूल की दोस्ती सब भूल जाते हैं। लेकिन हम तो अक्सर मिलते ही रहते हैं, इसलिए भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। प्रिया के पिताजी हमें कहीं जाने नहीं देते, लेकिन यहाँ आने के लिए कभी भी मना नहीं करते। सिर्फ इतना ही नहीं, हम दोनों की राशि और नक्षत्र भी एक हैं, इसलिए हमारी दोस्ती इतने सालों से बनी हुई है। अरे चुप करना वरना नजर लग जाएगी। इन लोगों को ये सब कहाँ पता, मेरे गोविंद को इससे ज्यादा पता है। जानती हो तुम कल क्या हुआ? क्या हुआ? आइए स्वामी जी, आइए आइए। मेरा सोचना सही निकला। इस घर में और तुम्हारे बेटे में कई दोष है। कोई बात नहीं, अपनी पूजा से मैं सारे दोष खत्म कर दूंगा। ऐसा ही कीजिए स्वामी। जाओ जाकर वो सब सामान लेकर आओ, जाओ। जी अभी लाई स्वामी। अरे ये कुत्ता भी ठीक से बैठता ही नहीं। अरे हमने ट्रिपलिंग की है। ले लीजिए स्वामी जी। इसमें नारियल कहाँ है? अभी लेकर आती हूँ, अभी अभी लेकर आती हूँ। जल्दी जाकर नारियल लेकर आओ। हे भगवान, ये कहाँ से आ गया? कुछ गड़बड़ ना कर दे। माँ आप जाइए, माँ मैं देख लूंगा। ए, अंदर जाकर कुछ गड़बड़ मत करना। कुछ नहीं करूंगा। आ, टाइगर आना। क्या लगा रखा है पता नहीं। आओ बेटा गोविंद, मैंने कहा था ना सब जल्दी ठीक हो जाएगा। क्या जल्दी ठीक हो जाएगा, ये सब तुम लोगे तो तुम्हारा ठीक होगा ना। ये कैसी बात कर रहे हो बेटा? तुम जैसे लोग को देख के मेरा दिल दुखता है, तुम्हें देखकर मुझे जरा भी डर नहीं लगता। तुम लोग कहते हो कि भूत यहाँ है वहाँ है, लेकिन भूत मन में है। तांत्रिक बन के तुम लोग लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हो। यंत्र और तंत्र से लोगों को छलने के लिए तुमने उसे अपना हथियार बना रखा है। लोगों के पैसे लूट कर उससे अपना घर भरते हो तुम लोग। तुमने ये जरा भी नहीं सोचा कि वो पैसे वो कहाँ से लाते हैं, उन पैसों को कमाने के लिए वो कितनी मेहनत करते हैं और कितने कष्ट उठा के पैसे कमाते हैं। क्या घूम घूम कर? लेकिन तंत्र के नाम पे तुम उन्हें उनसे हड़प लेते हो। बेटा तुम चिंता मत करो, ये सब तुम्हारे दोष के कारण हो रहा है, दोष के कारण हो रहा है। दोष के कारण? हाँ। हो रहा है, अभी पता चल जाएगा कि किसका दोष है। टाइगर अरे स्वामी जी, पूजा किए बगैर कहाँ भाग रहे हैं? तुम्हारे बेटे ने और तुमने मिलकर मेरे ऊपर कुत्ता छोड़ दिया। कैसी पूजा? स्वामी जी पूजा करके तो जाइए। आजकल के बच्चे इस राशि नक्षत्र को कहाँ मानते हैं, और अगर बड़े कुछ कहते हैं तब भी उनकी बात से इनकार कर देते हैं। क्या करें आजकल के बच्चों का। माँ अब बस करो। मैंने कहा था ना गुस्सा करेगी। 12 राशि है तो क्या, दुनिया में सभी लोगों के साथ
सब कुछ एक जैसा तो नहीं होता है ना? ये बताओ, दुनिया में करोड़ों नक्षत्र हैं, उनमें से ये 27 नक्षत्र कहाँ है पता है? अच्छा बोल रही है ना ये? तुम्हारी तरह बात कर रही है इसलिए अच्छा लग रहा है ना? सही कहा तुमने, एकदम मेरे जैसी है। ज्यादा दांत मत दिखाओ, पहले कविता लिख कर दो ना। जान मत खा यार, लिख रहा हूँ ना। आ गए कवि सम्राट, अब देंगे ये कविता लिख कर, रहने दो। आ गया भाई तू। ए क्या कर रहा है? कविता लिख रहा है, दिखा दो। लिखने का गणित, पढ़ने का गणित, किसी को देखने का गणित, आंखें चुराने का गणित, किसी के मन की बात समझने का गणित, किसी को देखकर शर्माने का गणित, मन ही मन में हंसने का गणित, थोड़ा थोड़ा सा इतराने का गणित, दिल की बात समझने का गणित, एक दूसरे से अपना दर्द बांटने का गणित, होठों से होठ मिलाने का गणित, फिर आखिर में मिल जाने का गणित। ए तू तो छुपा रुस्तम निकला। मुझे तो पता ही नहीं था बेटा कि तुम इतनी अच्छी कविता लिखते हो। कविता सच में बहुत अच्छी है। अरे हाँ हाँ हाँ, आंटी तेरे कविता के बारे में कह रही है, जो तू जो करने की कोशिश कर रहा है उसके बारे में कह रही है। चुप रह। बेटा गोविंद। हाँ माँ। बैंक का लोन भरना है ना, इसलिए अनाज लेकर कमेटी में जा रही हूँ। बगीचे की मोटर चल रही है, पानी भरते ही याद से बंद कर देना, और घर की मोटर भी चल रही है, पानी भरते ही उसे भी बंद कर देना, और दूध चूल्हे पर रखा है, हो जाए तो बंद कर देना। मैं चलती हूँ। ठीक है माँ, बंद कर दूंगा। गोविंद से क्या कह रही हो, वो तो भूल जाएगा, जाओ मैं देख लूंगी। नहीं नहीं बहन, तुम इसके साथ एग्जाम में जाना है ना, तो वहाँ हो आना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। कितना होशियार है। और एक तू है, कोई काम ठीक से नहीं करती। अगर दूध देखने को कहो तो पूरा दूध जला देती है, और मोटर बंद करने को कहो तो तुझे याद ही नहीं रहता। किसी काम की नहीं है, पूरे मोहल्ले में नदियां बहा देती है। फिर से शुरू हो गई। ठीक है जल्दी जाकर तैयार हो जाए, एग्जाम के लिए देर हो रही है। बाद में ये मत कहना कि ये भूल गई वो भूल गई। गोविंद को देखकर तो सुधर जा। इसे कुछ भूलने तो दो, फिर बताती हूँ मैं तुम्हें। सारे काम ठीक वैसे ही कर रहा है। इसकी मेमोरी तो बहुत अच्छी है। हेलो, मेरी मेमोरी पावर बहुत अच्छी नहीं है, जैसा कि तुम्हारी माँ ने कहा। ये सब का कारण बस ये मेथड है। नहीं समझी? ओके, मैं बताता हूँ, तुम जरा ध्यान से सुनना। सोचो अगर कोई काम बाकी है तो एक चीज हाथ में होगी और वो इसका इंडिकेशन होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो, अगर बस कंडक्टर ने तुम्हें चेंज ना दिया हो तो तुम उस टिकट को पर्स में रख के हाथ में लिए रहोगी, जिसे चेंज लेना ना भूलो। बिल्कुल वैसे ही सिंपल। प्रिया चलो बेटा, देर हो रही है। मैं तैयार हूँ, मैं चलो। ए ये हाथ में कंघी क्यों ली हुई है? हॉल टिकट भूल गई माँ। हे भगवान, ये लड़की ना हमेशा कुछ ना कुछ भूल ही जाती है। भैया क्या हुआ? शर्ट की क्या हालत कर दी? सिर्फ कमीज नहीं, मैं वो कविता सुनाऊं? सुना भाई सुना, आज तेरी कविता भी सुन लेता हूँ। एक आधा पागल पूरा पागल हो रहा है, अब ये तो गया काम से। अबे जा, ध्यान लगा के पढ़ना, समझा? यार जल्दी करना, देर हो रही है, पिंटू को चाहिए तो बस में भेज देंगे। अरे नहीं, भाई के बिना गया तो माँ टेंशन में आ जाएगी।
फिर वहाँ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे वहाँ तू जीतने ही वाला है। हे, जीतना बड़ी बात नहीं है, उसमें भाग लेना ही बड़ी वीरता है। ये बार बार मिस कॉल किसका आ रहा है? ए, जरूर वही होगी। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अब मैं क्या करूं? अरे फोन करके देखना। जल्दी कर, तैयार हो गया क्या? चल जल्दी। पोस्टर लगाने के लिए लोग तैयार कर लिए। आ गया तेरा भाई। हेलो। हेलो, कौन? हाँ, नहीं, ये तो उसकी माँ है। क्या कहा? माँ है? ये तो कॉमेडी हो गया। बकवास मत कर यार, अब मैं क्या करूं? अगली बार फोन करेगी ना तो झट से उठा देना। हाँ, ठीक है। अच्छा चलता हूँ, दोनों भाई समय पर पहुंच जाना। ठीक है, ठीक है। अबे तेरी तो मैं। हे पिंटू, जल्दी करना यार। बस हो गया मेरे भाई। ये तो प्रिया का फोन है। प्रिया बोल रही हो? प्रिया, मैं जानता हूं कि तुम ही हो। मैं ही हूं। एक कविता लिखवानी थी। अब तो भैया कवि बन जाएंगे। अगले हफ्ते हमारे कॉलेज में एक कवि प्रतियोगिता है। आपसे लिखवा लूंगी, इस विश्वास में मैंने हाँ कर दी। लेकिन आपसे कैसे पूछूं, यही सोच रही थी। आप हेल्प करेंगे ना? बोलिए ना। हाँ, मैं लिख दूंगा। भैया का जवाब नहीं। आप मेरी मदद करेंगे ना? मदद तो मैं कर दूंगा, लेकिन कविता आप खुद लिखिए। बाप रे, मैं लिखूं? हाँ। अरे रे, मैं नहीं लिख पाऊंगी। अपने भाई को जैसे लिख कर दी थी, मुझे भी लिख कर दीजिए ना प्लीज। अरे वो तो नालायक है और बेवकूफ है, इसीलिए मैंने लिख के दे दी थी। लेकिन आपकी बात दूसरी है। आप तो अकलमंद है ना, इंटेलिजेंट भी है, आप तो झट से समझ जाएंगी। कैसे लिखूं बताइए ना। बहुत सारी कविताओं की किताब लेकर पढ़िए। अच्छा। और कविताओं को पेज ओपन करके पढ़िए। फिर? और जो कविता ज्यादा पसंद आए उसे अलग से पढ़िए। और फिर? फिर जो कविता पसंद है उसके अलग अलग शीर्ष को दोबारा लिखने की कोशिश कीजिए। मैंने भी ऐसे ही किया था। हर दिन अगर दो दो घंटे ऐसा करोगी तो आप वाकई में एक अच्छी कविता लिख पाओगी। मैं सच में लिख पाऊंगी ना? शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होगी, मुझे भी ऐसी हुई थी, लेकिन कोशिश करती रहेंगी तो आप लिख लेंगी। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। ट्राई नहीं, मुझे पूरा विश्वास है आप लिख लेंगी। अरे माँ गई, बाय। ओके बाय। तुम्हारा पागल होना तो तय है। बस स्टैंड आ गया। हे, धीरे धीरे धीरे, उतरो उतरो। हे, तू मुझे बस स्टॉप पे अकेले छोड़ के चला जाएगा? यार मैं तुझे घर तक ही छोड़ देता, लेकिन तेरी माँ बहुत किरकिर करती है ना, इसलिए आने का मन नहीं करता वहाँ। ओ, मेरी माँ? मेरी माँ अक्सर कहती है कि ऐसे खुदगर्ज लड़कों से दोस्ती मत करना। ए, ठीक है ठीक है यार। तू तो उस दिन बड़ा कह रहा था कि प्रतियोगिता में भाग लेना वीरता है। चलते हैं। ए, मैं तो खुदगर्ज लड़कों के बारे में बोल रहा था, तू क्यों परेशान हो रहा है? अब पलटी मत मार, चल। अबे तेरी तो मैं कितनी बार मैंने कहा ना मुझसे ऐसी बातें मत किया कर। जाना। फोन करके धमकाता हूँ इसे। छोड़ना, मैं अपने पैसे क्यों खर्च करूं? हे, प्रिया का फोन। हेलो। हाँ प्रिया, बताइए ना क्या हुआ? वो बस ऐसे ही फोन किया था। एक हफ्ते से कहाँ थे तुम? ओ, दरअसल माँ के गांव गया था, वहां नेटवर्क ही नहीं मिलता था। इतना ही नहीं, मुझे चोट भी लग गई। चोट? अरे बाप रे, कैसे लग गई? सांड को पकड़ने की प्रतियोगिता थी, उसी में चोट लग गई। एक हफ्ते हॉस्पिटल में था। कल ही डिस्चार्ज हुआ। अब कैसे हो? ज्यादा तो नहीं लगी ना? अरे ज्यादा चोट नहीं है, बैक साइड में लगी है।
डॉक्टरों ने बोला है कि जल्द ही ठीक हो जाएगी। थैंक गॉड। अगर ज्यादा तेज लगी होती तो 6 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ता। अच्छा वो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बच गए तुम। आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपको पता है, ये बात सांड को नहीं पता थी ना। अच्छा प्रिया, आप मुझे 1 हफ्ते से फोन ट्राई कर रही थी, नेटवर्क मिलते ही आपका कॉल आ गया। ऐसी कोई बात नहीं। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? अब खामोशी बहुत सी बातें समझा देती है इसीलिए। चलो मैकेनिक भी आ गया, हम लोगों को बहुत जल्दी पहुंचना भी है। आओ आओ। तुम्हारी लव स्टोरी सुननी है लेकिन लगता है सुन नहीं पाऊंगा पूरी मैं। वैसे बहुत मजेदार है तुम्हारी लव स्टोरी। हाँ हाँ बहुत मजेदार है। ए, चुपचाप जाके गाड़ी ठीक करवा जा। जब देखो भगाता रहता है, सुनने नहीं देता कुछ भी। मैकेनिक कार जरा जल्दी ठीक करो। सर कम से कम 10 मिनट तो और लगेंगे। सर यहाँ पर कोई भी नहीं मिल रहा है, दूसरे शहर से बुलाना पड़ेगा। 2 घंटे तो कम से कम लग ही जाएंगे। बोलिए क्या करना है, बोलिए ना सर क्या करें। किसी लायक नहीं हो तुम, रखो फोन। सर कोई इंतजाम नहीं हो रहा है, क्या करूं? नाकारा है ये आदमी एकदम। सब यहाँ अपने ही जैसे हैं। ओके सर मैं निकलता हूँ। भाई अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत आशावादी थे, अभी निराशावादी क्यों हो गए? इतनी जल्दी बदल जाते हो, कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? सर आशावादी होना अपने तक ही रहे तो ठीक है, जब मैंने लोगों से यहाँ उम्मीदें लगाई तो मुझे परेशानियां शुरू हुई, इसलिए आशावादी होना ही नहीं चाहिए। हे यारों के साथ मस्ती भरी रात, याराना क्या है दिखाएंगे, झूम झूम झूमेंगे, मस्ती में नाचेंगे, मस्ती भरा गीत हम गाएंगे, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा, मस्ती भरी आज की शाम है, मस्ती लुटाना है, सबको नचाना है, आज अपना यही एक काम है, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा, मस्ती भरी आज की शाम है, मस्ती लुटाना है, सबको नचाना है, आज अपना यही एक काम है। जाग जाग सबको जगाते चलो, सड़कों पे धूम मचाते चलो, अपनी है रात अपनी है, हे करता है जो तू वो सबको बता, सबके दिमाग की घंटी बजा, अपनी है रात अपनी है, बात बना ले अपनी, काम बना ले अपना, नाम तुम्हारे आज की है शाम, मस्ती लुटाना है, सबको नचाना है, आज अपना यही एक काम है, मस्ती लुटाना है, सबको नचाना है, आज अपना यही एक काम है। हे यारों के साथ मस्ती भरी रात, याराना क्या है दिखाएंगे, झूम झूम झूमेंगे, मस्ती में नाचेंगे, मस्ती भरा गीत हम गाएंगे, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा, मस्ती भरी आज की शाम है, मस्ती लुटाना है, सबको नचाना है, आज अपना यही एक काम है। बेटा गोविंद, 1 महीने से तुम अच्छी तरह से काम पर जा रहे हो, तुम्हें नजर ना लगे नजर उतारती हूँ। माँ अब तू फिर से शुरू मत हो जाना कि तेरी तनख्वाह से ही मुझे पिंटू को पढ़ाना है, बैंक का लोन चुकाना है, तू बस चुपचाप खड़ा रहे। थूक इसमें। हे, तुम इसे दो। दो माँ, तुम इसे चूल्हे में डालने वाली हो ना, मैं डाल देता हूँ। अरे रे, हाँ पता नहीं ये क्या करने वाला है। आपकी दाल हमेशा फीकी रहती है,
लो आज ये बहुत बढ़िया बनी हुई है, एक मिनट में प्रूफ करके दिखा दिया, देखा ना। ये समझ में नहीं आया कि इसे चूल्हे में डालने से बैंक लोन कैसे चुका पाऊंगा मैं। फिर से शुरू हो गया ये। इसका मतलब सदियों से जो प्रथा चली आ रही है वो बेकार है। जवाब देना। एक गांव में एक स्वामी जी ने बिल्ली पाली थी। जब वो पूजा करते थे तो वो बिल्ली उन्हें तंग ना करे, इसलिए वो उस बिल्ली को खूंटे में बांध के रखते थे। लोग उसकी भी पूजा करते थे। एक दिन वो बिल्ली मर जाती है। सब कहने लगे पूजा के लिए नई बिल्ली चाहिए जिससे कि उसकी पूजा हो सके। तो लोग लाके वहां दूसरी बिल्ली बांध देते हैं। अब आप ही बताइए माँ, स्वामी जी ने तो वहां पे अपनी परेशानी से बचने के लिए बिल्ली बांधी थी। लेकिन लोगों ने उसे पूजना शुरू कर दिया। हमारे देश में अंधविश्वास ऐसे ही शुरू होता है माँ, और उनमें से ये एक है। ये भी एक तरह का नशा होता है माँ, और इस नशे की लत बड़े बड़े लोगों को लग चुकी है माँ, और इसी के चक्कर में न जाने कितने काम चोर पैदा हो चुके हैं। मैं सच कह रहा हूँ माँ, अब आप इस अंधविश्वास में ज्यादा मत पड़ा करिए। इंसान को अपने कर्म पे भरोसा रखना चाहिए। ये अंधविश्वास कुछ हद तक ही ठीक लगता है माँ। पता नहीं ये कब सुधरेगा। यही काम ऑफिस में करने से सीट फाड़ देते। बस यही हुआ पहली नौकरी जाने की कहानी। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? मेरे बिना परमिशन के आप मेरे केबिन में क्या कर रही? सॉरी, जब से आपने कंपनी ज्वाइन की है तब से नुकसान ही हो रहा है, इसलिए आपको बाहर वाली टेबल पर बैठने के लिए कहा है सर ने। आप चाहे तो एमडी से बात कर सकते हैं। हेलो। हेलो गोविंद। बोलिए सर। वॉरन मेरे केबिन में आओ। हाँ आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। आओ गोविंद। यस सर। अचानक लैपटॉप का डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है, जरा देखना तो। सर एक मिनट, चश्मा दीजिए ना, प्लीज दीजिए ना सर। सर अगर चश्मा बदलेंगे तो यह डिस्प्ले भी दिखेगा। बेवकूफ, लैपटॉप में खराबी है तो तुम मुझे चश्मा बदलने के लिए बोल रहे हो? इडियट, पागल हो गया क्या? क्यों सर, कंपनी में प्रॉब्लम हुई तो मेरा भी तो कैबिन बदल दिया गया। ओ अच्छा, तो ये बात है, अभी बताता हूं तुम्हें, इस फाइल को देखो। सर 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 सर, कंपनी के फायदे के लिए सॉफ्ट एनालिसिस, क्वालिटी चेक, ये सब करेंगे तो ठीक हो जाएगा। देखिए सर, ये ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए, ये देखिए सर, शिफ्ट प्लस F3 सर, ब्राइटनेस बढ़ जाएगी ना सर, आपका डिस्प्ले भी ठीक हो गया। इसी तरीके से जहां प्रॉब्लम हो उसे ठीक करना चाहिए, उसे छोड़कर। तो मुझे समझा रहे हो, तुम्हारी इसी सोच के कारण जिस दिन से तुमने कंपनी को ज्वाइन किया है उसी दिन से कंपनी को नुकसान हो रहा है। इससे पहले कि मैं तुझे धक्के देकर निकालूं, शराफत से तू निकल जा। ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए सर, मन की शांति के लिए। चल जा चश्मिश कहीं के। यू फूल इडियट, ये यहां क्या कर रहा है? हैं? जब देखो तब डोनेशन मांग मांग के जान खा जाता है हमारी। बेटा निकलो यहां से, चलो। किसे देख रहे हो? नमस्ते गोविंद बेटा। नमस्ते। बहुत दिनों से दिखे नहीं, घर पर सब ठीक है ना? हाँ। तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ मैं भी ठीक हूँ। बेटा गांव से जाने से पहले तुमने जो व्यवस्था करके दी थी और जो कुछ करने के लिए कहा था, उस कारण हर महीने नेत्रहीन बच्चों को, हाँ, और सारे गरीब बच्चों को खाने के लिए दान मिल जाता। बहुत अच्छी बात है। ऐसा करने से अब हमें किसी भी चीज की परेशानी नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। भक्तों के जरिए भगवान उन नेत्रहीन बच्चों की मदद कर रहे हैं, हमें अब किसी से मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ती।
हमारे हाथों में कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले ने किया, मैं तो बस जरिया था। वहाँ जो श्रीमान जा रहे हैं ना, उनसे कहना कि एक नारियल लेते हुए जाए, दान ना देने पड़ जाए सोचकर छुप कर जा रहे हैं। अच्छा मैं चलता हूँ बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, गॉड ब्लेस यू। मर गए यार। तुमने इसकी सिफारिश की थी ना? हाँ सर। तुम दोनों मेरी कंपनी में दिखना भी मत। सर बदमाश कहीं के, यू बोथ आर डिसग्रेस। प्लीज सर कुछ भी मत बोलना। अब भगवान तूने क्या किया मेरे साथ यार? तेरी सिफारिश करके यहाँ मेरी नौकरी चली गई। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार? अब चल उनके पैर पकड़ते। सर 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 सर, मैच तो खेला ही नहीं लेकिन विकेट अपने आप गिरते जा रही है भाई, देखा देखा ना। अबे तेरी विकेट भी तो गिरी है। अरे कोई बात नहीं, चल जा कंजूस के बेटे। मैंने कितनी बार कहा मेरे घर वालों के बारे में कुछ मत बोल। बोला तो क्या करेगा? हाँ हाँ मन की शांति के लिए। अरे बापरे, अबे कहाँ जा रहा है? अबे ओ नालायक, भाग गया। अब तीसरी नौकरी जाने की कहानी। ए बेटा इस कुर्सी को वहाँ पे उठा के रखने का, समझा ना? ए किधर जा रहा है? टॉयलेट जा रहा हूँ। ए उधर टॉयलेट कोई नहीं जाएगा, उसको बंद करके रखने का, समझा? इन पौधों को उठा के इधर रखने का है। और ये क्या चीज रखी है? मशीन है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, वही रहने दो। जो चीज जहाँ है वही होनी चाहिए, तभी कंपनी का फायदा होगा। बेटा बेटा कंपनी का फायदा होना मांगता है ना, कंपनी को आगे बढ़ना चाहिए ना, तो एक काम कर पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठ। अरे उधर जाकर बैठना बैठना, पानी का टंकी दक्षिण पे रखने का। ए क्या कर रहा है? अरे आप उन तुमसे पूछ रहे हैं कि क्या कर रहा है तुम? आपने ही तो कहा वास्तु के हिसाब से करो तो उन्नति होगी। हाँ ठीक है, तो फिर इनकी क्या जरूरत है? मेहनत करना जरूरी है, तो वस्तु की ही पूजा करना है, उसी से आपको लाभ होगा, कंपनी भी अच्छी चलेगी। क्या बात कर रहा है साहब, देखिए ना ये किस तरह की बात कर रहा है। क्या है? सर इन पर विश्वास मत करिए, ये बेकार की बातें कर रहे हैं। ये हमेशा कहते रहे उत्तर पश्चिम दिशा में घर नहीं होना चाहिए, सब बर्बाद हो जाएगा, लेकिन कितने लोग इसी दिशा में रह रहे हैं और खुशहाल हैं, उनकी उन्नति भी हो रही है। दुनिया में बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां जो कि इतना बड़ा टर्नओवर देती हैं, क्या वो वास्तु के आधार पर अकाउंट सेटल करके आज ही उसका सारा हिसाब किताब चुकता कर दो? सर सर भगवान और मेहनत के सामने कुछ भी बड़ा नहीं होता है सर, मेरी बात मानिए। और क्या कहना है? सर ये लोग पैसे लूटते हैं सर, इन पर विश्वास मत कीजिए सर। सर मन की शांति के लिए। सर तू भी बहुत बड़ा बेवकूफ है। अब तो आपको समझ ही आ गया होगा मैं किस तरह का आदमी हूं। आदमी बहुत दिलचस्प हो तुम, सही मायने में पूरी तरह कॉमेडियन। हाँ बहुत ही मजेदार है। चुप रहे, कितनी बार बोला है दूसरे की बातों में अपनी टांग मत अड़ाया कर। बस यूं ही। कोई जरूरत नहीं है, जाके मैकेनिक की मदद कर। मैनेजर जो काम दिया था वो हुआ? जब तक पूरी कहानी नहीं सुन लेता मेरा दिमाग खराब होता ही रहेगा। बाद में फोन पर सुना देना मुझे। हाँ गाड़ी के लिए पास के गांव जाकर कूलेंट ऑयल लाना पड़ेगा, तब तक गाड़ी को देख लेना। हाँ सर ट्रेवल एजेंसी से बोल रहा हूँ। चलो मैकेनिक चलते हैं। सर रात बहुत हो गई है, सब लोग सो गए हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए सर, मैं दूसरी गाड़ी रेडी करके भेज रहा हूँ। फोन रखो अपना, दूसरा मैकेनिक आने में आधा घंटा और लगेगा। समझ गया मैं भैया, आपको अपना टाइम पास करने के लिए मेरी कहानी सुननी है। वैसे भी इस जंगल में कब नहीं आएगा, वो अपनी मौत से बुरी तरह से डर गया होगा, वो कभी नहीं आने वाला यहाँ। फिर एक बात तो कंफर्म है, तुम्हारा ये स्टाइल देखकर तुम्हारी मैनेजर की नौकरी पक्की। सच कह रहा है तू? ये चलो चलते हैं। hey, nonsense. इस साइकिल से क्यों? क्या सर कंपनी का मैनेजर बनने वाला हूँ, हटा अपनी खटारा को, ऑटो से जाऊंगा। ठीक है ऑटो में ही चलते हैं। ऑटो? हाँ हाँ रुको रुको। भैया अब क्या करें? कुछ भी करने से ये नहीं जा रहा है, अब क्या करें यार? हेलो, हाँ बस हम गाड़ी लोड करके थोड़ी देर में आ रहे हैं।
टेंशन मत लो, पहुंच जाएंगे बस थोड़ी देर में। हाँ पिंटू, एक काम करते हैं, इसे हम दूसरे स्टेट में भेज देते हैं। चल अब तू जा यहां से। बाय टाइगर। पिंटू अब हमें इससे छुटकारा मिला, दे ताली। चल हे पिंटू, कंपनी तो बहुत बढ़िया यार। अब तो समझ लो तुम्हारी नौकरी कंफर्म है। थैंक्स यार। गोविंद का नंबर है इंटरव्यू लिस्ट में, उसका नाम भी है क्या? अरे बाप रे, ये यहाँ क्या कर रहा है? अभी अभी एक कुत्ते से छुटकारा मिला है, दूसरा यहाँ है। पंडित जी ने कहा है पुराने दोस्तों से दूर रहो। देखता हूँ। एक मिनट, वो यहीं आ रहा है, मैं देखता हूँ। गोविंद, ए गोविंद, ए कंजूस के बच्चे, यार मैं तुझे बुला रहा हूँ, तू चुपचाप जा रहा है? Hey man, you know who am I? Hey, तू कौन है ये मैं नहीं पहचानूंगा क्या? मेरा स्टाइल, मेरी बॉडी लैंग्वेज, ये सब बदलने के बाद भी तूने मुझे पहचान लिया? लंगोट को गले बांध दिया तो कोई स्टाइल हो गया क्या? पंडित जी ने कहा है कि मैं तेरे जैसे बेकार दोस्तों से ना मिलूं। मुझे कार, बंगला, ये सब मिलने वाला। फिर यहाँ आया क्यों है? ये मेरी कंपनी है और मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। ए, तेरा नाम बुलाए हुए आधा घंटा हो गया है, मैं तेरी सिफारिश कर देता लेकिन तेरा ये रुबाब देखकर मेरा मूड बदल गया है। चल चल निकल यहाँ से, अब निकल। ये क्या बोल रहे हैं? तेरा फाइल बंद हो गया समझ, चल अभी निकल यहाँ से। इसका मतलब सब? अरे जा ना। इंटरव्यू दिया नहीं और कार बंगले की बात कर रहा है, आया बड़ा समझता क्या है खुद को? हाँ चल जा यहाँ से, निकल। सब खत्म। क्या हुआ भैया? नहीं मिली क्या? हे, तेरा भाई इस कंपनी के लायक नहीं है यार। नौकरी ना मिलने पर ऐसा बोलने वाले तुम पहले इंसान हो गए। यार पिंटू, पंडित जी ने एकदम सही कहा था, हमने सुबह सुबह टाइगर को देख लिया ना, इसलिए ऐसा हो गया। खैर अब तो हमने उसे केरला भेज दिया है ना, दूसरे हफ्ते दूसरा इंटरव्यू दूंगा, फिर देखता हूँ कैसे नहीं पास होऊंगा। सच कह रहा हूँ मैं। क्या हुआ पिंटू, क्या देख रहा है तू? क्या हुआ? वहाँ देखो भैया, ये तो वही ट्रक है यार, ये तो इस तरफ ही आ रही है। अरे बाप रे। हे, ड्राइवर ने जैसे उसे खोला ना, वो नीचे उतर आएगा और हमें जान से मार देगा। अबे पिंटू भाग यहाँ से। थोड़ा रुक जा पिंटू, अब हम और नहीं भाग सकते, मैं इसे अपने हाथों से मार देता हूं। अब तू नहीं बचेगा। अरे बाप रे, बाप रे, अरे रे मामा, इसने जानी का पैर तोड़ दिया। मैंने नहीं किया। अरे बाप रे, अरे बाप रे। सर 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 सर, ये क्या, इसने तुम्हारे कुत्ते का पैर तोड़ा ना? तुम चाहो तो हमारे कुत्ते का पैर तोड़ दो। अरे नहीं, नहीं, इसका पैर तोड़ना ही काफी नहीं होगा, अब देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ। तुम मेरा जो कर सकते हो कर लेना, चलो बेटा। हे पिंटू, सच में टाइगर हमसे दूर हो गया। अरे टाइगर हमसे दूर हो गया। अब मेरा बंगला कार सब होगा। ये मैं बड़ा आदमी बनने वाला हूँ पिंटू। ये पिंटू, इस तरह का घर होगा, इस तरह की गाड़ी होगी, ये बात कहे पंडित जी को 6 महीने हो गए, लेकिन अभी तक मैं एक साइकिल तक ना खरीद पाया। भैया पंडित जी ने कहा था ना तुम्हारा समय आएगा। हे पिंटू, मुझे परेशान मत कर यार,
पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ। भैया क्या हुआ पिंटू? अपना टाइगर। अरे बाप रे, अरे अपने टाइगर की तो जिंदगी ही बदल गई यार। भैया अपने टाइगर का टाइम आ गया। मेरा कुत्ता बंगले में और मैं रोड पे। अरे और तुम्हें इसे छोड़ूंगा नहीं, उसी भविष्यवाणी करता है। मुझे बंगला दिखा रहा था, वहाँ मेरा कुत्ता बंगले में आ गया। अरे आज मैं इसका सर फोड़ूंगा। पकड़ पिंटू इसे, पकड़। इसकी तो मैं छोड़ूंगा नहीं, झूठी भविष्यवाणी करता है। अरे छोड़ो छोड़ो मुझे। अरे शांति से पहले अपनी बात। इसने मेरी झूठी भविष्यवाणी की थी। रुक जाओ, क्या ये सच है? तुमने ऐसी बातें क्यों की? झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। अरे नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ कुत्ते का भविष्य बताया। देखा ना कैसे पलट रहा है अपनी बात से। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। पाखंडियों के चक्कर में पड़ोगे तो यही हाल होगा। बेटा तुम ऐसे झूठे जोशियों के चक्कर में क्यों पड़ते हो? देखो मेरी जान पहचान का एक बहुत ही अच्छा जोशी है, तुम उससे जाकर मिलो, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जल्दी से ठीक कीजिए। हाँ कूलेंट ऑयल डाल दीजिए। हाँ अरे भाई गाड़ी ठीक होने में और कितना टाइम लगेगा? आधे घंटे में ठीक हो जाएगी सर। भाई तब तक एक काम करो, अपनी प्रेमिका के बारे में बता दो मुझे। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि वहां भी कुछ गड़बड़ हो गई होगी। अच्छा तो जरा बता दो, मजा आएगा सुनने में। अक्सर फोन कॉल्स, SMS, ग्रीटिंग्स, बड़े मजे से चल रहा था हमारा प्यार। उसकी एक खास आदत थी, वो चाहे खुशी हो या दुखी, हर परिस्थिति में वो डांस करती थी और अपनी माँ से हमेशा डांट खाया करती थी। कितनी बार कहा है नाचा मत कर, ऐसे नाचती रही और कभी गिर गई तो मुझे मत कहना। मैं तुझसे ही बात कर रही हूँ, सुन रही है या नहीं? ये लड़की भी ना, अरे तुझसे ही बात कर रही हूँ। लेकिन हम अपने सपनों की दुनिया में बहुत खुश थे। बसते हो तुम हर घड़ी सनम, सोचूं मैं जब कभी रहते हो बस मेरे सामने तुम ही सनम। होता नहीं ऐसा कभी कोई भी एक लम्हा, सोचा नहीं जिस पल तुम्हें देखा ना तेरा सपना। मेरे ख्याल में रहते हो बसते हो तुम हर घड़ी सनम। जिंदगी ए जिंदगी तुम बन गए हो मेरी बंदगी। मेरे ख्याल में रहते हो बसते हो तुम हर घड़ी सनम।
नजरों से जाना, कहता है दिल दीवाना, तू है समा मैं तेरा हूँ परवाना। रहते हो बसते हो तुम हर घड़ी सनम मेरे ख्याल में। अच्छे से जानती हो ना कि प्रिया के पिता कितने गुस्से वाले हैं। उसकी पढ़ाई खत्म होते ही अगले महीने ही उसकी शादी कर देंगे ऐसा कह रहे हैं। लेकिन लड़का अच्छा कमाने वाला होना चाहिए। मेरा बेटा भी तो इंजीनियर है, लेकिन पता नहीं इसकी किस्मत में क्या है जो अच्छी नौकरी नहीं मिल रही। एक अच्छी नौकरी मिल गई तो ये भी अच्छा ही कमाएगा। विदेश जाकर लाखों रुपए कमाने की उसमें क्षमता है और अकल भी है, लेकिन पता नहीं मेरे बेटे की किस्मत कब खुलेगी। लेकिन अभी जो हालात हैं, अगर उसमें प्रिया के पिताजी को पता चल गया तो हम लोग भी नहीं मिल पाएंगे। इतना ही नहीं, हम दोनों को उन्होंने यहाँ तुम्हारे भरोसे पर ही भेजा है, अगर उन्हें पता चल गया तो। फिलहाल कुछ मत बताना, प्रिया की पढ़ाई खत्म होने में 6 महीने बाकी है। किसी अच्छे स्वामी से गोविंद के लिए पूजा पाठ और हवन करवाऊंगी ना, तो उसके सारे दोष दूर हो जाएंगे और वो भी खूब अच्छी तरह से कमाने लगेगा। सच कह रही हूँ मैं। अगर ऐसा हो गया तो सच में बहुत अच्छा होगा। प्रिया के पिताजी खुद आकर प्रिया की शादी की बात करेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। कुछ भी हो, मैं चाहती थी कि कम से कम आखिर तक हमारी दोस्ती ऐसी ही बनी रहे। ठीक है, अभी से ही मुझे पूजा की तैयारी करनी होगी। मैंने सोचा था कि कम से कम नौकरी मिल जाए तो लाइफ सेटल हो जाएगी, लेकिन अब वो सब स्वाहा हो गया। अरे यार, ये तो वाकई बहुत दुख की बात है। हाँ हाँ, इतना सब कुछ होने के बाद तो दुखी होना ही चाहिए। हैं? तूने फिर बीच में टांग अड़ाई? बेटा तू सुधरने वाला नहीं है लगता है। जाके अपना काम कर। काम हो गया है, कार ठीक हो गई है, वही बताने के लिए आया था। अब चलिए ना। अबे तो ऐसे बोल ना, बेकार की बातें क्यों कर रहा है तब से? सर, आपकी कहानी मुझे सुनाइए ना। हाँ। मुझे सुनाने से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। पता नहीं पूरी कहानी कब सुनने मिलेगी। कूलेंट ऑयल डालने के बाद अब गाड़ी ठीक है ना? हाँ ठीक तो है, लेकिन कूलिंग फिल्म चली गई है, रास्ते में बदल लेंगे तो बेहतर होगा। हाँ ठीक है, मुझे एक जरूरी काम से तिरुचि जाना है। इतनी दूर जाना ठीक नहीं होगा, बदल लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या करूं, अभी वहाँ बॉस की मीटिंग भी है। तुम एक काम करो, ये पैसे लेकर के जाओ, ये लो। हेलो, ठीक है तो मैं जाता हूँ। हाँ ठीक है। क्या भैया, अभी भी मैं यहाँ रुकूं? अरे नहीं भाई, हमें किसी जरूरी काम से जाना है ना, अब और देर तक सड़क के किनारे नहीं बैठ सकते। जाओ भैया तुम। ये हुई ना बात। बेटा गोविंद, मन की शांति के लिए। हा? मुझे ही कौन कौन है ये? अब भैया आप भी मेरी कहानी सुन रहे थे क्या? अरे जाने दो, मन की शांति के लिए पैदा होने वाले ये लोग तेरी कहानी बस सुन रहे थे, लेकिन मैं उसमें ट्रैवल कर रहा था। आगे क्या करने वाले हो? प्रिया को छोड़ने वाले हो या उसे भूल जाने वाले हो? वो सब छोड़िए सर, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। अब मैं आप लोगों का और समय नहीं ले सकता सर, सॉरी सर, बाय सर। एक मिनट गोविंद, इतनी बार हारने के बाद भी तुम इतने कैजुअल कैसे रह सकते हो यार? इतना ही नहीं, सबका मन की शांति कहकर मजाक उड़ा देते हो कैसे है? ये तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं लगता?
दुख और हार के बारे में सोचकर हमेशा रोते रहना जरूरी है क्या? मन के उस दुख को छिपाने के लिए मैं सब करता था सर, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। ए गोविंद, दुखी मत हो यार, सब ठीक हो जाएगा। गोल गोल। ए, वो क्या है कि टॉवल लेकर आओ, लेकर आओ। नो थैंक्स सर, मेरे पास है सर। ओके, लीव इट, चलो गाड़ी में बैठो। नहीं सर, कोई बात नहीं सर, आप लोग जाइए सर, मेरे कारण आप लोग का काम नहीं खराब होना चाहिए। क्या हुआ? अरे यार सुनो, सबसे पहले तुम अपने आप को कोसना बंद करो। अच्छा समय, बुरा समय, जन्म कुंडली, शनि, राहु, केतु, ये सब कुछ भी नहीं होता। किसी से कहो वो आकर ये सब साबित करके दिखाए। ये सब मैं झूठ साबित कर सकता हूँ, देखना चाहोगे? पहले मैं भी ऐसे ही कहता था सर, लेकिन अब मुझे इस पे विश्वास हो गया है सर। बात करो। हेलो, क्या हुआ? तुम रामको फैक्ट्री गए हो? तुम्हारी माँ आई थी, मेरी माँ से बहुत देर तक बात करती रही, तभी पता चला कि तुम अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हो। उनकी बातों से मुझे बहुत डर लग रहा है, अपने भविष्य के बारे में सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे अभागे बेटे से शादी करके तुम्हारी बेटी का जीवन बर्बाद ना हो, यही चाहती हूँ मैं। प्रिया के पिताजी ने दूसरा लड़का देख लिया है, एग्जाम खत्म होते ही सगाई कर देंगे ऐसा कह रहे हैं। तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें पता चलेगा तो तुम दुखी होगी। ऐसे हालात में अब मैं क्या फैसला करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम तो मुझे समझ सकती हो ना, प्रिया के पिताजी के खिलाफ जाकर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अब आगे कोई परेशानी ना हो इस बात का ख्याल तुम्हें ही रखना है। मैंने कैसे अभागे बेटे को जन्म दिया है, उसकी सजा तुम्हारे बेटे को नहीं भुगतने दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ सब संभाल लूंगी, लेकिन इसकी चिंता करते करते मैं इस दुनिया से ना चली जाऊं। मुझे माफ कर दो बेटी, तुम मेरी बेटी जैसी ही हो, मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो, इसलिए गोविंद तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, समझने की कोशिश करो। माँ जी, आप अपने घर की चीजें यहाँ पर छोड़कर जा रही हैं। ये तो सिर्फ जेवर है बेटी, लेकिन मेरी इस बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। प्रिया माँ, हम 6 महीने इंतजार करते हैं ना माँ, पिताजी से बात करो ना माँ, प्लीज माँ। मेरे हाथ में कुछ नहीं है बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती, और तू तो अपने पिता को अच्छे से जानती है ना, मुझे माफ कर दे। मैंने सब कुछ सह लिया है, लेकिन ये नहीं पता था कि चलो मैं बाद में बात करता हूं तुमसे।
मुझे समझने की कोशिश करो प्लीज। शुभ मुहूर्त अशुभ समय इन सब के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता हूं मैं सर। अब मैं जीना नहीं चाहता सर। आप यहां से जाइए सर। हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, इस बात का फैसला कैसे करते हैं लोग? हेलो, बोल पिंटू। हमेशा की तरह इस बार भी आउट हो गए? हाँ, और नहीं तो क्या? ये कोई नई बात नहीं है, मुझे तो पता ही था। ठीक है, मुझे एक कविता बता दो ना। शराफत से फोन रख दे। अरे रे भैया, फोन मत काटना। देखो तुम अपनी टेंशन में, मेरा काम मत भूल जाना। आखिरी बार एक कविता बता दो प्लीज भैया। आखिरी बार? ठीक है भैया, तुम्हारे मनपसंद शीर्षक पर ही बता दो ना। मनपसंद शीर्षक? मौत चलेगी। बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर शायद कोई भी नहीं लिखेगा। बताओ। मौत से सजाए गए वीराने के बगीचे। मौत से सजाए गए वीराने के बगीचे। जब रुदन से संगीतमय किए जाते हैं। जब रुदन से संगीतमय किए जाते हैं। दफन किए गए दिलों को पता होता है। दफन किए गए दिलों को पता होता है। जीवित थे दफन किए गए सच। जीवित थे जब दफन किए गए सच के आगे। बस हो गया, काफी है इतना। भैया और दो लाइन। क्या बात है, बड़ी फीलिंग में बोला है। सॉरी सर, कभी ऐसा नहीं हुआ है, बस थोड़ा भावुक हो गया हूँ अभी। मैं अब मैं निकलता हूँ सर। ए, तुम्हारी उम्र के लोगों को यह ताना सुनना पड़ा है कि वो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। करोड़ों कमाकर उन लोगों ने इतिहास रचा है। मेरी बात सुनो, अभी तुम जिस हाल में हो, मेरी कोई भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, लेकिन प्रैक्टिकली मैं साबित कर सकता हूं। देखना चाहोगे? मुझे एक एनआरआई कस्टमर से तिरुची जाकर सोना होटल में मिलना है, जहां करोड़ों की डील है। अब किसी भी हालात में वहां जाकर मुझे उनसे मीट करना है। करोड़ों की बिजनेस डील साइन होनी है, लेकिन अब मुझे देर हो गई। उन्हें मलेशिया जाना है, वो चले जाएंगे, दैट्स ऑल। ये कार खराब हो गई है, दूसरी कार आने में एक घंटे लगेंगे, अब क्या करें? नहीं, हमारा काम जरूरी होगा। मैं इसी कार से जाकर वो मीटिंग अटेंड करूंगा। डर रहे हो? डरने लगे हो तो चूहे से भी डरना होगा। अगर आत्मविश्वास है, वेल पावर है, तो हाथी को भी दौड़ा सकते हैं। उस आत्मविश्वास और धैर्य के साथ मैं जाने वाला हूं। इसके लिए भगवान मेरा साथ देगा, ये मेरा विश्वास है। तुम्हारी तरह कई लोग सोचते हैं, अच्छा समय बुरा समय, राहु केतु, सौभाग्य अभाग, ये सब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। इन सब चीजों के अलावा मन की शक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। मुझे विश्वास है और मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। चलो मेरे साथ, गाड़ी में बैठो। ओके सर। हाँ चलो, आ जाओ। गाड़ी को एक ही स्पीड में चलाना, तेज मत चलाना। ओके सर। समझे ना? ठीक है सर। चेहरा जगा, बस दिल को ये एहसास करा, छोड़ नहीं तू उम्र।
एक तेरी विश्वास जगा, मन में तू विश्वास जगा, बस दिल को ये एहसास करा, छोड़ नहीं तू उम्मीदें है जीत तेरी विश्वास जगा, मन में घर हो सच्चाई फिर जीत तुम्हारी पक्की है, सोच ले मंजिल पाना है तुमको, आगे बढ़ते जाना है तुमको, सोच ले मंजिल पाना है तुमको, आगे बढ़ते जाना है तुमको, मन में तू विश्वास जगा, बस दिल को ये एहसास करा, छोड़ नहीं तू उम्मीदें है जीत तेरी विश्वास जगा। मैनेजर मिस्टर जॉन का मलेशियन एयरलाइंस में बोर्डिंग पास तैयार करके एसएमएस कर दो मुझे। डू इट राइट नाउ। ओके सर, हो जाएगा। इससे कह रहे फिर तो हो गया। हाँ, मुश्किल चाहे जो भी आए, बस तू आगे बढ़ता जा, हट जाएगा अंधेरा भी, अंधेरे से ना घबरा, रात अंधेरी है तो क्या है, सुबह उजाला होगा तेरा, अंधविश्वास को छोड़ के पीछे हिम्मत से आगे बढ़ना है, मन में हो सच्चाई तो जीत तुम्हारी पक्की है, दुख को पीछे छोड़ दे तू। Mr. John, yeah, sorry to say this. Unfortunate delay. I am on my way. I will meet you by 9:30. Exactly. No. I should be on the airport before 9:30. Therefore, the meeting is canceled and no business for you. Mr. John, listen to me. Listen, Mr. John, you just provide the passport and visa details to my manager. Your boarding pass will be ready by 9:30 sharp. My manager is arranging for boarding pass. You don't worry. All right, make it fast. 10 o'clock if you reach, that's enough. Okay. But boarding pass should be ready by 9:15. Otherwise, I'll be leaving by 9:16. No business and no more excuses. Don't worry. You will be getting your boarding pass confirmation before 9:15. Is it okay for you? Yeah. I promise. Yeah. Thank you, Mr. John. Yeah. Jeet tumhari honi hi hai. Soch le manzil pana hai tumko. Man mein tu विश्वास जगा, बस दिल को ये एहसास करा, छोड़ नहीं तू उम्मीदें है जीत तेरी विश्वास जगा। धुआं क्यों आ रहा है सर? लगता है इंजन में कुछ खराबी हो गई है। जगा।
हो गया है। क्या हुआ? हे भगवान, बचाने। कितना खून बह रहा है। अरे भगवान, मैंने कितनी बार कहा था लेकिन मेरी बात किसी ने सुनी ही नहीं। ये क्या कर लिया प्रिया? जिस बात का डर था वही हो गया। प्रिया, ये भगवान। शुक्र है भगवान का, दूसरा जन्म मिला है हमें। सुनिए, प्रिया के पेट में बहुत चोट आई है, बहुत खून बह रहा है, आप जल्दी से आ जाइए। मैंने आपसे कहा था ना, ऐसा मत कीजिए। देखिए देखिए अब क्या हो गया, आप जल्दी से आ जाइए। हे भगवान, अब क्या होगा? ये तूने क्या कर लिया प्रिया? डरो मत माँ। क्यों प्रिया? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं नहीं मरूंगी। पेट में चोट आई है बस। मैनेजर से पूछता हूँ बोर्डिंग पास रेडी हुआ या नहीं। हेलो मैनेजर, बोर्डिंग पास रेडी हो गया ना? वेरी गुड। ओह माय गॉड, सब ठीक हो गया। Anything is possible. Priya. अब तो पिताजी को 6 महीने इंतजार करना होगा ना माँ? नहीं बेटा। गोविंद, मैं इतनी मुश्किलों का सामना करके अपनी मंजिल तक पहुंच पाया हूं, तो उसका कारण विल पावर। कुछ भी करके बचा लो मुझे। हे भगवान। कादिर। हाँ सर। सब ठीक है ना? हाँ सर, सब कुछ ठीक है। दरअसल भाग्य रत्न, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ये सब सच है। कहने वाले लोगों को, ओलंपिक प्लेयर्स को सौंप दो और कहो कि देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर दिखाएं। चांस ही नहीं है। अच्छी तरह से सोचो, अपने जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले किसी भी इंसान ने कभी ये कहा हो कि मैंने अपने जीवन में इन सब बातों पर विश्वास किया है और अपना जीवन ऐसे ही जिया है? मैंने कभी नहीं कहा होगा। कितनी निराशाओं का सामना करके, दुखों को झेल करके इस मुकाम पर पहुंचा हूं, यही कहा होगा। बिल गेट्स से लेकर अपने सुपरस्टार रजनीकांत से ही ले लो, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितने सालों की मेहनत, कष्ट, अपमान सब सहे हैं, ये सब सिर्फ वही जानते हैं और मैं जानता हूं। बाहर से देखने वालों को ये पता नहीं होता, सब समय का खेल है कह देते हैं, ये उनकी मेहनत की मजाक उड़ाने वाली बात है। हाँ, आप सच कह रहे हैं। अगर समय, ज्योतिष, ये सब कुछ सही होता ना, तो अब तक सुनामी और भूकंप में जो लाखों लोग मरे हैं, उन सबका क्या एक ही नक्षत्र था, एक ही कुंडली थी? ए, कितनी बार बोला है तुझे, बीच में अपनी टांग मत अड़ाया कर। छोड़िए ना साहब, इज राइट। चलो कम। थर्ड फ्लोर के रूम नंबर 303 में जाना है सर। हाँ ओके। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है भगवान अंदर होते हैं, ना कि यहां वहां।
एम्बुलेंस आ गई है, जल्दी कीजिए, इसे उठाइए, जल्दी 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 कीजिए। सो अपने जीवन में और प्यार में जीतने के लिए तुम क्या कर सकते हो ये तय करो। अगर तुम्हारे पास ये आत्मविश्वास है और धैर्य है, सॉरी मेरा मतलब है आपके अंदर आ जाए तो तुम स्क्रिप्ट की तरह लिख सकते हो। हाँ मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास अच्छी सोच है, जिंदा दिल हो, पर्सनालिटी है और अच्छे भी दिखते हो और कविता भी तो लिखते हो, क्यों ना एक सिनेमा बनाया जाए। मैंने भी पहले एक सिनेमा बनाया है लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से इन सबसे दूर हो गया, लेकिन अब तुम्हारे लिए फिर से एक बार काम कर सकता हूं। मेहनत करो, जीत सकते हो। हाँ लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को खराब अनुभव देता है, दवा की तरह। लेकिन अपने आप को अगर ठीक करना है तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन करोड़ों लोग न जाने क्यों इन सब चीजों पर भाग्यरत्न, वास्तु, न्यूमेरोलॉजी जैसी बातों पर विश्वास करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये पागलपन है, इसे हमें साबित करना होगा। इस लक्ष्य को अपना हथियार की तरह इस्तेमाल करना है। अब ये खत्म कर देगा या बचाएगा देखते हैं। बट वन थिंग इज वेरी मश्योर, इन अंधविश्वासों के कूड़े को जलाने वाली पहली माचिस की तिली तुम बनना। लाखों लाख नौजवान तुम्हारे साथ जुड़ेंगे, ये मेरा आत्मविश्वास कह रहा है। आई विश यू ऑल सक्सेस। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर आपका फोन नंबर दीजिए ना, अगर मैं आपकी कहानी नहीं सुनूंगा ना तो शायद मुझे नींद नहीं आएगी। अरे थिएटर में देख लेना। मेरी परेशानी कोई समझता ही नहीं। प्लीज सर बताइए ना, कितनी बार पूछा मैंने, आप बता दे क्यों नहीं। प्लीज कहा ना थिएटर में देखना। थिएटर में उस दिन के बाद मैंने रात दिन देखे बिना अपने अनुभव को लिखकर एक फिल्म तैयार की। उसके लिए मैंने दिन रात जाग के लिखा और मैं जानता हूं आप लोग इसे पसंद करेंगे। So you have achieved. Good, good. I like that. बस अब प्रिया से बात नहीं हो पाती है सर, इसी बात का दुख है। उस हादसे के बाद प्रिया को उसका परिवार उसे लेके कहां गया मुझे पता नहीं है सर, लेकिन अभी भी मुझे उसका इंतजार है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। देन कौन है? थैंक यू सर। मैं यही कह रहा था। yes. मेरे सर हैं। नमस्ते करो। नमस्ते। सर अगर बुरा ना माने तो मैं उस कार में चला जाऊं? BMW? हाँ जरूर। ओके सर। एक मिनट गोविंद। गोविंद सर
मन की शांति के लिए। अरे अरे भागो।